इमरान खान पर नाअहली की तलवार चलेगी या नहीं, फैसले की घड़ी आ पहुंची। तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला आज सुनाएगा। ईमानदारी का भाषण देने वाले इमरान खान का तहाइफ फरोख करने का एतराफ। चेयरमैन पीटीआई ने 2 करोड़ 16 लाख में लिए गए तहाइफ 5 करोड़ 80 लाख में बेच डाले। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, बाज़ाबता ऐलान आज होगा। फैटफ इजलास में पाकिस्तान का नाम निकालने का जायजा लिया गया। पाकिस्तान अपना नाम ग्रे लिस्ट से निकाले जाने के लिए पुर उम्मीद। इजलास में पाकिस्तानी वफ्द वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रबानी खर की क़यादत में शामिल। मुआशी बहाली के लिए पाकिस्तान को मुश्किल फैसले करना होंगे। वर्ल्ड बैंक की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से बेतहाशा नुकसान हुआ, सैलाब के बाद इक्तसादी सूरतेहाल की वजह से इस्लाहात करना मुश्किल होंगी। कराची के गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में बुध को फ्लैट में आग लगने से झुलसकर जख्मी होने वाला 25 साला तलहा दौरान इलाज दम तोड़ गया। हॉक्स बे मुशरफ कॉलोनी में रक्षा ड्राइवर झुलस कर जान बहक, शनाख्त 45 साला शरीफ के नाम से हुई। सर्दी और धुंध पड़ते ही हादसात बढ़ने लगे। घोटकी, जहलम, मुकाड़ा, पाकपतन और हवेलियां में ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जान से गए, 18 जख्मी हो गए।